सर मोहम्मद फारूक गुलापुरा से। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा मिडिल स्कूल गुलापुरा और ये हमारी ज़मीन, मैं ज़मीन ये जो जिसमें स्कूल है ये ज़मीन हमारी है, तो इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कम से कम 20 साल 25 साल से मैं इस स्कूल को देख रहा हूँ, इसका छत उड़ा है, मिडिल स्कूल है, यहाँ पे कम से कम 70-80 बच्चे आकर जब बारिश होती है तो बच्चे सर परेशान हो जाते हैं, तो टीचर लोग भी परेशान होकर वो अपने घर वापस चला जाते हैं, जब कहीं जैसे मौसम ख़राब हो गया तो टीचर यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, टीचर घर में रुक जाते हैं, तो इसकी वजह से ये देखो हमारी स्कूल की हालात, जैसे यहाँ पे बच्चे कम से कम तादाद बच्चों की 70-80 के करीब है, अब बच्चों की तादाद जो भी है वो नालायक हो गए, टीचर आ नहीं पा रहे, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, स्कूल बिल्डिंग की ये हालात है। एजुकेशन से हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी तरीके से भी कहीं भी सरकार ये सुन रही तो इसको कहीं भी मतलब इसका इसकी बिल्डिंग अगर बने तो सर हमें यही हमारी गुजारिश है हमारी जो आज की सरकार उससे भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि यहाँ पे देखें गलापुरा मिडिल स्कूल चसाना बी पंचायत की क्या हालात है, तो इसमें सर आप भी देख लीजिए इसकी वीडियो बना के कि भाई कितना इसका मतलब स्कूल के हालात देखो और टूट फूट के कम से कम इसके कमरे देखो अंदर जाके उनकी क्या हालात है। एक ही सर ये थोड़ा इसका रूम है जिसमें उनके कागज़ हैं, कुछ उनके कागज़ जो है हमारे घर में ऊपर रखे हैं, यहाँ पे इसका छत टूटा है, कहीं भी बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, वो परेशान है। अब इसको हम ये कहते हैं कि ये आवाज़ हमारी दिल्ली सरकार तक पहुँचनी चाहिए कि इस बिल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ हो जाए, और उससे दूसरे नंबर पे यहाँ पे कहीं भी रोड का कोई भी साधन नहीं है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 2 साल से पहले बना था वो भी आधे रास्ते में है, तो यहाँ से कम जो है हमारी पंचायत में 18 से 2000 वोटर हैं जिनके मतलब वोट पोल होते हैं, तो पॉपुलेशन कम से कम 10,000-15,000 के करीब है, तो इसमें मिडिल स्कूल यही है जिसमें 2-3 पंचायतें टच करते हैं, तो इसमें देखो सर ये हालात कितनी ख़राब है, कम से कम 100 बच्चे यहाँ पे आके वो परेशान हो जाता है, टीचर भी परेशान होते हैं, तो टीचर को हम ये कहते हैं कि बच्चे मतलब हमारे बर्बाद हो के, टीचर कहते हैं बिल्डिंग है ही नहीं, छत है ही नहीं, हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम फिर गुजारिश करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि इसका कुछ ना कुछ हल हो जाए, जो हमारा CM साहब बैठते हैं रियासी में, SDM मैडम रियासी, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि मतलब हमारे स्कूल बिल्डिंग गुलापुरा पंचायत ए बी में जो गर्ल स्कूल गुलापुरा, इसके लिए कुछ ना कुछ मसला हल हो जाए, इसकी बिल्डिंग आ जाए और बच्चे कहे छाए में बैठे।